जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं टॉप 25 खबरें। नौसेना को शुक्रवार को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल गया है। पीएम मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में कमिशनिंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा है। साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ है, नेवी को नया नौसेना ध्वज भी सौंपा गया है। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है, जिसे पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को समर्पित किया। नौसेना को मिले स्वदेशी INS विक्रांत में 30 लड़ाकू विमान और 32 मिसाइल से ये लैस है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है। इस विमान वाहक पोत में 14 डेक हैं, जिसमें विमान के अलावा 1700 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को रखा जा सकता है। INS विक्रांत में बड़े आकार का मैस, जिम, अस्पताल के अलावा विमानों के छोटे मोटे मरम्मत के लिए सुविधाएँ भी मौजूद हैं। INS विक्रांत को देश को सौंपने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये भारतीयों के लिए गर्व का मौका है, ये भारत की प्रतिभा का उदाहरण है, ये सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर है और ये अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है। ये बताता है कि अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम आज एक सूर्य के उदय के साक्षी बन रहे हैं। इसमें इतनी बिजली पैदा होती है, उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। ये 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमिशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दर्शाती है। INS विक्रांत आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकटों के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में तैयार है। विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन इस बार जेडीयू की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार सिर्फ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। ये बयान शुक्रवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, पूरे देश के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको नीतीश कुमार एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। पीएम पद के उम्मीदवार का फैसला सभी विपक्षी पार्टियां बैठकर तय करेंगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जांच करवाई तो हमने उनके फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दागी एलजी के खिलाफ बीजेपी को एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आखिर बीजेपी इस मामले में क्यों चुप है? क्यों वो एलजी पर FIR दर्ज नहीं कर रही है? जब उन्होंने नोटबंदी में हेराफेरी की थी तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है कि वो पैसे कहां गए, किसने खाए? झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। गुरुवार को ही महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इसी बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दाव खेलते हुए 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान सोरेन सरकार अपना बहुमत पेश कर सकती है। कर्नाटक के श्री मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर मठ के स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। कर्नाटक पुलिस ने शरणारू को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवमूर्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कश्मीर घाटी में एक और गैर कश्मीरी पर शुक्रवार को आतंकवादी हमला किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बताया है कि इलाके में आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजदूर का नाम मुनीरुल इस्लाम है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। झारखंड के चाईबासा जिले में कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादी नक्सलियों के बीच शुक्रवार सुबह 5 बजे भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के संयुक्त ऑपरेशन में नक्सलियों का एक बड़ा कैंप भी ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ नक्सली घायल हुए हैं। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुजरात में अरवली जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्यामलाजी मंदिर के पास अंबाजी में एक कार बेकाबू होकर श्रद्धालुओं के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे की चपेट में सड़क पार कर रहे दर्जनों श्रद्धालु आ गए, जिनमें से 6 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के गाजीपुर जिले के
अठहटा गांव में यात्रियों से भरी एक नाव बाढ़ के पानी में पलटने से लापता 5 लोगों के शव भी गुरुवार को बरामद किए गए हैं। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। नौली से करीब 24 ग्रामीण जनरेटर से चलित नाव से अठहटा गांव जा रहे थे। नाव कुछ आगे जाकर करीब पलट गई। उस दौरान 17 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि शिव शंकर उर्फ डब्लू गौड़ और नगीना पासवान की मौत हो गई थी। 5 लोग लापता थे। मध्य प्रदेश की नदी नाले और डैम उफान पर हैं। विदिशा जिले के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन समेत 3 लोग बेतवा नदी में नहाते समय डूबते बचे थे। होमगार्ड की टीम ने कूदकर उनको बचाया। जिला अध्यक्ष को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया है। घटना रंगई घाट बाढ़ वाले गणेश मंदिर की है। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। पाकिस्तान में अब तक मरने वालों की संख्या 1186 हो गई है। सरकार और संबंधित अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीम भी बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। रूस की बड़ी तेल उत्पादक कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोव की मॉस्को के एक हॉस्पिटल की खिड़की से गिरने से मौत हो गई। कंपनी ने कहा है कि मगनोव की गंभीर बीमारी के बाद मौत हुई है। वहीं रूसी मीडिया की माने तो मगनोव का इलाज मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में किया जा रहा था, जहां गंभीर चोट की वजह से उनकी जान चली गई। मगनोव से पहले भी कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की रूस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस पर बंदूक ताने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी वाइस प्रेसिडेंट को जान से मारना चाहता था। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जिया पियरे ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन के लिए चीन की आलोचना की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने संयुक्त राष्ट्र की चीन की शिनजियांग में मानवाधिकार पर रिपोर्ट का स्वागत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के शिनजियांग में उइगर समुदाय के लोगों तथा अन्य को जबरन नजरबंद रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का अब तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री करार किया गया है, जिनका कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त होने वाला है। मार्केट अनुसंधान कंपनी इप्सोस द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने 1945 से युद्धकाल के बाद के ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के प्रदर्शन के बारे में पूछा था, जिसमें से 49% लोगों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री के काम को खराब बताया। एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबला खेला जाना है। इस मैच को जीतने वाली टीम रविवार 4 सितंबर को भारत से भिड़ेगी। दोनों ही टीमों को एशिया कप में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। जीतने वाली टीम टॉप 4 में शामिल होगी, जहां भारत उसका इंतजार कर रही होगी। टीम इंडिया पाकिस्तान और हांगकांग दोनों ही टीमों को हरा चुकी है। पाकिस्तान और हांगकांग के बीच ये मैच शारजाह में खेला जाएगा। अपने करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स US ओपन में हार गई हैं। वो अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ विमेंस डबल्स कैटेगरी में उतरी थी। सिंगल्स में इस 40 वर्षीय अमेरिकी स्टार की चुनौती बरकरार है। वो तीसरे दौर में हैं। आपको बता दें कि साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन के बाद प्रोफेशनल्स टेनिस को अलविदा कह देगी। सुष्मिता सेन की भाभी चारू असोपा और राजीव की शादी साल 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही थी। यहां तक कि दोनों के नए तलाक तक का ऐलान कर दिया था। अब चारू ने पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है कि हम शादी को आगे निभाएंगे। बेटी जियाना को माता और पिता का बराबर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। अक्षय कुमार की नई फिल्म कठपुतली ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। कठपुतली एक साइकोपैथ सीरियल किलर की कहानी है। इस बार एक्शन से नहीं बल्कि अपने इंटेलिजेंस से सभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि रकुल प्रीत सिंह ने भी अपनी छाप छोड़ी है। आज टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पहली पुण्यतिथि है। आज ही के दिन पिछले साल सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनकी मां रीता और शहनाज गिल भी पूरी तरह से टूट गई थी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में हल्का सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर पर हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं। राजू श्रीवास्तव को बुखार आ गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी निगरानी बढ़ा दी है। राजू के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ सके। फेमस कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जमीन खरीदी है, जहां पर एक लेविश फार्म हाउस जिराट गांव के पास 8 एकड़ की जमीन पर बनेगा। कपल ने ये जमीन करीब 19 करोड़ रुपए में खरीदी है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।